कराची में एक्शन से भरपूर इलेक्शन, पीएसए 127 के पोलिंग स्टेशंस पर मुत्तहिदा कौमी मूवमेंट और एमकेएम हकीकी में लाते और घूंसे चल गए, पोलिंग बूथ्स वीरान, रेंजर्स का इलाके में गश्त, पुलिस ने हंगामा आरई पर 6 अफराद धर लिए, 13 मोटरसाइकिलें भी कब्जे में ले ली गई। रायवंड जरूरी नहीं ऑपोजिशन साथ दे तो मार्च का मकाम और तारीख बदल सकते हैं, इमरान खान का सोलो फ्लाइट के बजाय हिजब इख्तलाफ को साथ लेकर चलने का प्लान, रेफरेंस भेजने पर अयाज सादिक को स्पीकर मानने से इनकार। पीटीआई का ओपोजिशन से राबते का फैसला, रायवंड मार्च पर अवामी तहरीक, पीपल्स पार्टी, काफ लीग और जमात इस्लामी को एतमाद में लिया जाएगा, मुहर्रम उल हराम के पेश नजर अक्टूबर से पहले मार्च होगा। स्पीकर का बहुत एहतराम लेकिन वजीर आजम को बचाना नाकाबिले बर्दाश्त, बिलावल भुट्टो के अयाज सादिक पर तहफुजात, खुर्शीद शाह तो कप्तान के मद्दाह हो गए। रेफरेंस मेरिट पर इलेक्शन कमीशन भेजे, रेफरेंस पर रूलिंग कानून की रोशनी में दी, 90 दिन में फैसला हो जाएगा, स्पीकर कौमी असेंबली ने इमरान खान की तकरीर का जवाब दे दिया। भारत दहशतगर्दी को फरोग दे रहा है, कुलभूषण यादव का इतराफी बयान इसका वाजे सबूत है, दफ्तर खारजा का नरेंद्र मोदी को करारा जवाब। जंग सितंबर में पाक बहरिया का लाजवाल किरदार, ऑपरेशन द्वारका में भारतीय जायम हुए खाक, समा का नेवी के जवानों को सलाम, नंबर 1 चैनल की कराची नेवल अकेडमी से बराह रास्त नशरियात। और हल्क सिर्फ फिल्मों में नहीं होते, समा ने पाकिस्तान का हल्क ढूंढ निकाला, 8 मन के 24 साल खिजर खान को WWE ने एजाजी बेल्ट दे डाला, आइंदा साल रेसलर बनने की ऑफर भी हो गई।